चुनाव में फिर उठा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। पीएम मोदी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम ममता पर निशाना साधा, कहा वोट बैंक के लिए बंगाल सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में 210 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का दिया आदेश, कहा इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक। हाईकोर्ट के फैसले पर भड़की ममता बनर्जी का, ओबीसी रिजर्वेशन पर कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं। गृह मंत्री अमित शाह बोले दीदी को मानना ही होगा कोर्ट का फैसला, ओबीसी का रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं दिया जा सकता। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा मुस्लिम लीग के एजेंडे को मानती हैं सीएम ममता, इसीलिए हाईकोर्ट का फैसला मानने से इंकार कर रही हैं। स्वाति मालीवाल मामले पर सीएम केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा निष्पक्ष जांच चाहता हूं, घटना के दो वर्जन है। केजरीवाल के बयान पर स्वाति मालीवाल का पलटवार, कहा सीएम के ड्रॉइंग रूम में मुझे पीटा गया, वो कह रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। कल दिल्ली पुलिस सीएम केजरीवाल के माता पिता से करेगी पूछताछ, मारपीट से पहले केजरीवाल के माता पिता से भी मिली थी स्वाति। दिल्ली से यूपी तक पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, द्वारका में बोले देश में फैली हर बुराई का प्रतीक है एनडी गठबंधन। यूपी के बस्ती से पीएम मोदी का राहुल अखिलेश पर अटैक, कहा शहजादे दिन में 79 सीटें जीतने का ख्वाब देख रहे। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस को सांप्रदायिक जातिवादी और परिवारवादी बताया, कहा यह बीमारी कैंसर से भी गंभीर है। अखिलेश की रैली में मची भगदड़ पर पीएम मोदी का तंज, कहा पैसा देकर रैली में बुलाया, पेमेंट नहीं किया तो मंच पर चढ़ गई भीड़। सीएम योगी का अखिलेश राहुल पर तंज, कहा रोज भगदड़ और मारपीट हो रही है। ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच का है, बस्ती में बोले सीएम योगी। आजमगढ़ की जनता से अखिलेश यादव की अपील, सपा को रिकॉर्ड मतों से जिताएं। अखिलेश यादव ने कहा देश में चेंज हो रहा पॉलिटिकल क्लाइमेट, 4 जून को एक थी बीजेपी पिक्चर होगी रिलीज। चुनाव आयोग का जेपी नड्डा और खड़गे को नोटिस, बयानों में संयम बरतने की अपील की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी ने रैली की, कहा सरकार बनने पर अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। पीएम के शहजादे वाले बयान पर राहुल का पलटवार, कहा राजा मैं नहीं मोदी है, मैं सिर्फ आपका भाई और बेटा। पीएम के राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने वाले आरोप पर भड़के खड़गे, कहा मोदी पूरी तरह से झूठ बोल रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बीजेपी को हराने के लिए बना इंडिया अलायंस, कम सीटों पर चुनाव लड़ना रणनीति का हिस्सा। झारखंड के गोड्डा में प्रियंका गांधी ने की रैली, कहा मुख्यमंत्रियों को फर्जी मुकदमों में जेल भिजवा रही है बीजेपी की सरकार। रांची में प्रियंका गांधी का दिखा अलग अंदाज, रैली के बाद किया ट्रेडिशनल डांस। राहुल को पीएम बनाए जाने के सवाल पर जयराम रमेश का बयान, नतीजों के बाद आपसी सहमति से होगा ये तय। प्रयागराज में असदुद्दीन ओवैसी ने किया प्रचार, बीजेपी के 400 पार के नारे को बताया जुमला। हिमाचल के मंडी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया प्रचार, कहा रिकॉर्ड मतों से विक्रमादित्य सिंह की जीत होगी। दिल्ली में चुनाव प्रचार में उतरे आप सांसद राघव चड्ढा, कहा राहुल झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल पंजे। केजरीवाल ने जेल से अपनी रिहाई का किया दावा, कहा इंडिया अलायंस की सरकार जुडिशियरी को दबाव से मुक्त करेगी। आप समर्थकों को पाकिस्तानी बताने पर केजरीवाल ने अमित शाह को घेरा, हार से बौखला गई है भाजपा। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा में अमित शाह ने किया रोड शो, बीजेपी कैंडिडेट सुभाष सरकार को जिताने की अपील की। पश्चिम बंगाल के कांथी में अमित शाह ने की रैली, कहा 4 जून को खंड खंड हो जाएगी टीएमसी। बंगाल की जनता से अमित शाह की अपील, केंद्र में बीजेपी सरकार बनवा दीजिए, टीएमसी के गुंडों को चुन चुन कर जेल भेजेंगे। वोट बैंक के डर से सीएम ममता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आई, अमित शाह ने निशाना साधा। बीजेपी के बंगाल में जीत के दावे पर ममता बनर्जी का पलटवार, इस बार इंडिया अलायंस दिल्ली की सत्ता में आएगी। चांदनी चौक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो, कहा दिल्ली की 7 सीटें जीतने जा रहे। कांग्रेस कैंडिडेट कन्हैया कुमार की मनोज तिवारी को चुनौती, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के असली मुद्दों पर कर लें डिबेट। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाला, एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर एक्शन। पवन सिंह के निष्कासन पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा कोई पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ेगा तो उसे निकाला ही जाएगा। 400 से ज्यादा सीट जीतेगा एनडीए, बनाएगा सरकार, चिराग पासवान का बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, चिराग पासवान बड़े अंतर से आ रहे हैं चुनाव, बीजेपी के लोग ही उन्हें हरा रहे। बीजेपी की अब की बार 400 पार को शशि थरूर ने बताया काल्पनिक, कहा बीजेपी के गढ़ में काफी कम मतदान हो रहे। कल पंजाब के पटियाला में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी, सुनील जाखड़ बोले जनता काफी उत्साहित है। किसानों के प्रोटेस्ट पर बोले सुनील जाखड़, सिर्फ स्वघोषित किसान कर रहे हैं प्रोटेस्ट। झारखंड के गोड्डा में शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, बीजेपी कैंडिडेट निशिकांत दुबे के लिए मांगे वोट। रांची में शिवराज सिंह ने चाय का उठाया लुत्फ, कहा झारखंड में बीजेपी जीतेगी 14 की 14 सीटें। चुनाव आयोग पर भड़के शरद गुट के नेता जितेंद्र ओहाड़, कहा ईवीएम को जानबूझ कर कराया गया है स्लो। शिवसेना नेता शशीर शिंदे ने महाराष्ट्र सीएम को लिखा खत, गजानन कीर्तिकर को पार्टी से निकालने की मांग की। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान, कश्मीर के युवा बीजेपी से नाराज है, वोट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे। सुकांत मजुमदार का कांग्रेस पर अटैक, राहुल गांधी को चुनावों में हार का हो गया है एहसास। ओडिशा के संबलपुर में गिरिराज सिंह ने किया रोड शो, कैंडिडेट धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में मांगे वोट।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का दावा, संबित पात्रा के बयान से होगा भारी नुकसान। लखनऊ में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का दावा, बीजेपी के खिलाफ हवा है। वाईएसआरसीपी के विधायक पिनेली रामकृष्ण रेड्डी अभी भी फरार, ईवीएम तोड़ने के मामले में दर्ज है केस। दिल्ली में बिजली की डिमांड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स, इतिहास में पहली बार दोपहर 3:42 पर डिमांड 8000 मेगावाट हुई। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, भीषण गर्मी में भी बिजली की सप्लाई पहले जैसी है, कहीं भी लोड शेडिंग या ब्लैकआउट नहीं है। गृह मंत्रालय में बम की धमकी, पुलिस कंट्रोल रूम को मिला ईमेल। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज। हैदराबाद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एसीपी उमा महेश्वर राव को किया गया अरेस्ट, आय से अधिक प्रॉपर्टी केस में गिरफ्तारी। ओडिशा विधानसभा ने बीजेडी के 4 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, बीजेपी में शामिल हुए विधायक 27 मई तक मांगा जवाब। बिहार के सारण में हुई चुनावी हिंसा में अब तक 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 50 अज्ञात लोगों पर FIR। छपरा से 5 किलोमीटर पहले पप्पू यादव को पुलिस ने रोका, हिंसा में घायल लोगों से मिलने जा रहे थे। पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूड़ी पर निशाना साधा, कहा उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। छपरा में हुई चुनावी हिंसा पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, घटना की जांच के निर्देश दिए गए। कूड़े हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी की जमानत हुई रद्द, 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेजा गया। नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल की कोर्ट में पेशी, 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। विशाल अग्रवाल की पेशी के दौरान लोगों ने पुलिस वैन पर फेंकी स्याही। कूड़े केस पर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर भड़के देवेंद्र फडणवीस, कहा वो हर चीज में वोट की राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र सरकार और पुलिस ने किसी को नहीं बचाया, पुणे हिट एंड रन केस में बोले मंत्री दीपक केसरकर। पुणे में अवैध निर्माण पर चला नगर निगम का बुलडोजर, कोरेगांव इलाके में पब और बार का था अवैध निर्माण। सीएम केजरीवाल को धमकी देने वाले आरोपी अंकित गोयल को मिली बेल, 30,000 कोर्ट में हुई थी पेशी। अपनी हरकत के लिए अंकित गोयल ने मांगी माफी, कहा मैंने ये सब फेमस होने के लिए नहीं किया, केजरीवाल सरकार से नाखुश हूं। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा के सीएम को लिखी चिट्ठी, यमुना नदी में पानी की कमी पर चिंता जाहिर की। नागपुर में फर्जी दस्तावेजों से नामी स्कूलों में एडमिशन का खुलासा, 19 अभिभावकों के खिलाफ FIR। त्रिपुरा में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया, अगरतला रेलवे स्टेशन पर हुई गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में तोड़फोड़, 5 आरोपी अरेस्ट। MP में नर्सिंग कॉलेज में रिश्वत लेने का मामला, CBI ने अपने इंस्पेक्टर राहुल राज को किया टर्मिनेट। 10वीं में अव्वल आने वाला चपरासी पढ़ नहीं सका FIR, जज ने सर्टिफिकेट जांच के आदेश दिए। नोएडा के सेक्टर 67 में प्लाईवुड की कंपनी में आग, दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। 13 मई को मुंबई के घाट कोपर में होर्डिंग गिरने का मामला, हादसे में घायल एक और व्यक्ति की मौत हुई। आगरा के जूता व्यापारी रामनाथ डंग के घर पर IT की रेड। बिहार के सीतामढ़ी में ट्रक और ऑटो की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। दिल्ली के शाहदरा में प्रॉपर्टी विवाद में जमकर मारपीट, 1 शख्स की मौत, 4 घायल, 3 आरोपी अरेस्ट। उत्तराखंड की मुख्य सचिव ने सभी राज्यों और यूटी को लिखा खत, चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी परिवार के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सीएम सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में बारिश से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। चंडीगढ़ में गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, गर्मी से 25 मई तक राहत नहीं। कर्नाटक के बेलगावी में प्रसाद खाने से 51 लोगों की बिगड़ी तबियत, 5 की हालत नाजुक। भारी बारिश के बाद कोलकाता में सड़कों पर पानी भरा, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई। दिल्ली के द्वारका में एक मॉल में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम का कोलकाता में मर्डर, 3 लोग गिरफ्तार। CID ने अपने हाथ में लिया बांग्लादेशी सांसद की हत्या का केस, जांच के लिए SIT का गठन। सीएम माणिक साह का अटैक, बंगाल में कानून व्यवस्था फेल है। RBI केंद्र सरकार को देगा 2.11 लाख करोड़ का लाभांश, बोर्ड की 608वीं बैठक में फैसले पर लगी मुहर। पेटीएम को चौथे तिमाही में 550 करोड़ रुपए का नुकसान, 2% गिरे शेयर्स। डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 83.28 रुपए पर बंद हुआ। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 212 तो निफ्टी में 48 अंकों की उछाल। विराट कोहली को अहमदाबाद में जान से मारने की धमकी, 4 आरोपी अरेस्ट। एक्टर शाहरुख खान की लू लगने से बिगड़ी तबियत, अस्पताल में हुए भर्ती। लापता लेडीज की छाया कदम ने किया कांस डेब्यू, माँ की साड़ी और नथ पहने नजर आई एक्ट्रेस। एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने की पंचायत 3 की तारीफ, कहा शानदार है फिल्म के स्क्रिप्ट और डायलॉग्स।